हेलो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 6 लेसन 5 जो कि एक पोयम है आई विश आई कुड, इसके हिंदी के अनुवाद को समझेंगे। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा, इसकी वर्ड मीनिंग को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, जिसको आप लोगों ने कॉपी पे नोट डाउन भी किया था। आई होप आप लोग उसको लर्न भी किए होंगे। तो आइए इस वीडियो में इसके अर्थ को देखते हैं, इसके हिंदी में अनुवाद को देखते हैं। आई विश आई कुड, आई विश मीन्स, विश मीन्स होता है इच्छा, तमन्ना या कामना, या बोलते नहीं है काश कि मैं ये होता वो होता, उस टाइप का है। आई विश आई कुड, काश कि मैं ये कर सकता। तो आइए देखते हैं इस पोयम में क्या है। इसमें एक बच्चा है, थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें एक बच्चा है जो कि बहुत सारी चीज़ें बनना चाहता है, सोचता है अगर मैं ये होता तो ये करता। आइए देखते हैं वो क्या क्या बनना चाहता है। देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, ए लॉट ऑफ थिंग्स मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई विश आई कुड, मैं, मेरी इच्छा है कि मैं बन सकूँ, मीन्स होता है बनना, कुड मीन्स होता है सकना या सकता। ये देखते हैं कि क्या क्या बनने की चाहत रखता है। आई विश आई कुड बी लाइक ए डिवर, डिवर मीन्स होता है गोताखोर। तो बच्चा कह रहा है कि काश मैं, मेरी इच्छा है कि काश मैं गोताखोर की तरह बन पाता, डाउन अंडर दी सी, जिससे कि मैं समुद्र के अंदर जाता या समुद्र के अंदर विचरण करता। और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग वे अप हाई, अथवा एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मीन्स होता है अंतरिक्ष यात्री, रोविंग मीन्स होता है घूमना टहलना या घुमक्कड़। तो वो बच्चा विश कर रहा है कि, इच्छा रख रहा है कि काश मैं एस्ट्रोनॉट बन पाता या होता, तो मैं अंतरिक्ष में ऊंचाइयों तक, वे ऑफ हाई, ऊंचाइयों में घूमता या विचरण करता। आर ए पायलट, अथवा मैं एक पायलट होता। पायलट उसको कहते हैं जो प्लेन्स को या विमानों को या जहाज़ों को चलाते हैं। अथवा मैं एक पायलट होता, फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, जिससे कि मैं आकाश में विमानों को उड़ाता या उड़ा सकता। और ए क्रिकेटर, बच्चा विश कर रहा है कि, अथवा मैं एक क्रिकेटर होता, हिटिंग एवरी बॉल फॉर ए सिक्स, जिससे कि मैं प्रत्येक बॉल पर सिक्स लगाता, छक्का लगाता, छक्का मारता। हिटिंग मीन्स होता है मारना, प्रहार करना। तो मतलब वो प्रत्येक, बच्चा विश कर रहा है कि अगर हिटर होता तो वो प्रत्येक बॉल पे छक्का मारता, सिक्स मारता। और एन इंजीनियर, अथवा एक इंजीनियर होता, एक अभियंता होता, जो कि हु एवरीथिंग कैन फिक्स, जो कि सब चीज़ों को फिक्स कर सकता है या ठीक कर सकता है। बच्चे की इच्छा है कि अगर वो इंजीनियर होता तो वो सब चीज़ों को ठीक कर सकता, जो भी चीज़ें बिगड़ी रहती उसको ठीक कर सकता था। और ए डॉक्टर, अथवा एक वो डॉक्टर होता, डॉक्टर मीन्स होता है चिकित्सक, अगर वो एक चिकित्सक होता, एक डॉक्टर होता, तो टेकिंग केयर ऑफ द सिक, टेकिंग केयर मतलब देखभाल करना होता है, सिक मीन्स होता है बीमार। वो बच्चा कह रहा है कि अगर वो डॉक्टर होता या डॉक्टर बन पाता, या काश वो डॉक्टर होता, तो वो बीमार व्यक्ति की देखभाल करता, वह बीमार की देखभाल करता। और आगे देखते हैं, ए सेफ आफ्टर हुज डिसेज योर फिंगर्स यू विल लिक, अथवा वो एक सेफ होता, सेफ मीन्स होता है बावर्ची, अगर वो बावर्ची होता तो व्यंजन को लोग खा करके अपनी उंगलियों को चाटते। बट हियर मॉम्स कम्स, बच्चा ये सब सोचता रहता है, अपने मन में इच्छाएं करता रहता है, तभी उसकी मम्मी वहाँ पे आ जाती हैं। बट लेकिन हियर, हियर मीन्स यहाँ, कम्स मीन्स आती हैं, मॉम मतलब होता है मम्मा या मम्मी, लेकिन यहाँ मम्मी आती हैं विथ समोसाज फॉर टी, चाय के लिए समोसे के साथ। मतलब वो ये सब सोचता ही रहता है कि उसकी मम्मी चाय के लिए समोसे के साथ आती हैं, मतलब समोसा और चाय को लेकर के आती हैं। एंड एट टाइम्स लाइक दिस, और ऐसे समय पे जब वह ये सब सोचता रहता है, तब आई एम ग्लैड आई एम मी, तब वो ये भी सोचता है कि जो भी हूँ खुश हूँ मैं, जो भी हूँ जिसमें भी हूँ मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ। लास्ट में वो सोचता है, वो बड़ी बड़ी चीज़ें सोचता है, और फिर लास्ट में ये सोचता है कि मैं जो भी हूँ इस टाइम में, ऐसे समय में मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ। बच्चों आई होप आप लोगों को ये पूरी पोयम समझ में आई होगी, इसका हिंदी में अनुवाद अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बच्चा क्या क्या बनने की विश रखता है, और लास्ट में वो जो है उसी में वो खुश रहता है।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। अगर आप टीचर हैं तो इसको अपने एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप स्टडी करते रहिए।